Hey guys, welcome back to my channel. So, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because ये वाला होने वाला है एक कंपेयर वीडियो एंड जिसमें मैं कंपेयर करने वाली हूँ टू प्रोडक्ट्स, टू बहुत ही फेमस स्क्रबर का. एक तो हो गया ये एवरयूथ का जो एप्रिकॉट का स्क्रबर है वो, एंड दूसरा वाला जो है वो है ये है बायोटिक का बायो पपाया स्क्रबर. तो दोनों ही स्क्रबर जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे है, एंड इस दो प्रोडक्ट का मैं आज कंपेयर करने वाली हूँ. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड चलिए देखते हैं कि दोनों में से सबसे अच्छा कौन है. ओके, सबसे पहले बात करेंगे ये वाला प्रोडक्ट का. ये है एवरयूथ का स्क्रब. ये बहुत ही मतलब पुराने टाइम से चल रहा है. हाँ, अभी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग हो गई है लेकिन एवरयूथ का जो स्क्रबर है ये बहुत सालों पुराना प्रोडक्ट है एंड बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट भी है. एप्रिकॉट का स्क्रबर है तो ऑब्वियसली ये स्क्रबर बहुत ही अच्छा है एंड ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है. डेड स्किन जो है उसको अच्छे तरह से लाइक डेड स्किन को रिमूव कर देता है. एंड ये 50 ग्राम का है एंड इसका MRP है 65 रुपीज ओनली. तो ये बजट फ्रेंडली भी है. वीकली 2 टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना क्योंकि फिर आपकी स्किन लाइक डैमेज हो जाएगी क्योंकि स्क्रबर उतना ज्यादा यूज आपको नहीं करना चाहिए. एंड बाकी के हिसाब से ये प्रोडक्ट अगर आप टीनेजर हो, अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है, कॉलेज जाते हो, पॉकेट मनी मिलता है, उसी से आपको काम चलाना है, देन ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है. नाउ बात करते हैं इस वाले प्रोडक्ट की. ओ माई गॉड, लाइक दिस इज माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. हाँ, मैं ये दोनों प्रोडक्ट को यूज करती हूँ. क्यों? क्योंकि ब्लैकहेड्स के लिए इससे ज्यादा ये इफेक्टिव होता है क्योंकि इसके जो दाने हैं स्क्रबिंग में, ऑब्वियसली दाने तो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, हार्ड है, तो ब्लैकहेड्स के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है. लेकिन सन टैन की अगर बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट उसमें वंडर काम करता है. एंड इसका जो टेक्स्चर है ना, वो लगता है कि थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ऐड करके दो तो जैसा टेक्स्चर होता है, थोड़ा सा क्ले वाला वैसे टाइप का है. तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, स्किन को अच्छे से लाइक हाइड्रेट करता है, ग्लो करता है स्किन. एंड जो स्किन में लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक्सेस जो ऑयल है उसको ये रिमूव कर देता है क्योंकि इसमें जो क्ले है वो हेल्प करता है उसमें. एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये 75 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड ये मैंने अमेजन से लिया था. इसका ऑफर मुझे मिला था 1 get 1 free में, तो बहुत ही अच्छा डील मुझे मिल गया था. आई डोंट नो आपको अभी ये डील मिलेगा कि नहीं. इसका MRP है 199 रुपीज. 1 get 1 ना भी मिले देन ऑल्सो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ये बजट फ्रेंडली ज्यादा है, ये थोड़ा सा महंगा है. लेकिन अगर आपको सन टैन रिमूव करना है और स्क्रबिंग भी करना है देन ये प्रोडक्ट आपके लिए वंडर काम करने वाला है. दोनों ही प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको ट्रैवल में ये दोनों ही आप कैरी कर सकते हो, लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. छोटा सा पैकेट है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा. एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको अमेजन में बोलो, नाइका में बोलो, नॉर्मल बाजार में बोलो, कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा. बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है दोनों ही प्रोडक्ट. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है देन आई विल सजेस्ट टू यूज दिस वन. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, उतना सेंसिटिव नहीं है, एंड या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये दोनों ही यूज कर सकते हो. अगर आपकी स्किन ड्राई है देन ये वाला यूज करो. स्मेल जो है दोनों की ही काफी माइल्ड है, टेक्सचर भी दोनों का अराउंड सेम ही है. दोनों प्रोडक्ट का अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ इस वीडियो में तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट को सेम मार्क्स देना चाहूंगी. लाइक हाँ, ये वाला प्रोडक्ट टैन रिमूविंग उतना नहीं करेगा और वो वाला प्रोडक्ट जो है बायोटेक का ये ब्लैक हेड्स उतना अच्छा रिमूव नहीं करेगा. तो उस हिसाब से दोनों ही प्रोडक्ट में थोड़ी नेगेटिविटी है लेकिन अदरवाइज आपको सोचना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको चूज करना है दोनों प्रोडक्ट में से. सो गाइस, ये रहा मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ये दोनों प्रोडक्ट का कंपेयर किया. शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया इस वीडियो को. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आपको अच्छा लगे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्दी उम्मीद कर रही हूँ कि हो जाए एंड उसके बाद एक गिव अवे होने वाला है, बहुत ही अच्छा गिव अवे होने वाला है. आई एम होपिंग सो. एंड या मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.